कैसे हो भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू ग्रेट आइडिया सीरीज। तो भाई लोग, आप लोग सोच रहे हो यार गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड क्यों नहीं आ रहा। तो गाइस, गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड थोड़े टाइम के बाद आएगा। वैसे मैं शूट कर चुका था पहले, उसी को मेरे को मतलब लेकर आना था आप लोगों के पास, गेमिंग न्यूज़ के ही एपिसोड को। लेकिन भाई सोनी, आपको पता ही है, कभी भी कुछ भी बता देता है, ठीक है। कोई डिस्क्लेमर भी नहीं देता कि भाई हम लोग उस हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर लें। लेकिन गाइस कोई नहीं, फिलहाल तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन 5 के इंटरफेस को देखने वाले हैं, उसके बारे में वो इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। यार वैसे तो ये सोनी के चैनल पे है, लेकिन यार हिंदी के अंदर नहीं है, सबसे बड़ी बात। एंड दूसरी बात यार, कुछ मेजर पॉइंट्स जो है उन्होंने हमको जानबूझ के दिखाए नहीं, जो कि हमने खुद ही नोटिस कर लिए थे। तो वो पॉइंट्स भी यार आज मैं आपके साथ डिस्कस करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, बता दूँ, जो कि हर एक यूट्यूबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। एंड गाइस, मेरी मेहनत के लिए एक थम्स अप यानी कि वीडियो को लाइक कर देना। एंड कमेंट करके बताओ कि आपको हिंदी के अंदर ऐसे सब सोनी वाली की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं आगे से और बनाऊँ, नहीं तो फिर गेमिंग न्यूज़ के अंदर 5 या 10 मिनट के अंदर इसको कवर कर दूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं तभी बनाऊँ ना जब आप लोग वीडियो, ठीक है। तो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्लेस्टेशन 5 की एक लुक के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्लेस्टेशन 5 का ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर आया था, जो कि सबसे पहला प्लेस्टेशन 5 का ट्रेलर था, उसके बाद हमें वो वाली स्क्रीन मिलती है जहाँ पे आता है प्रेस योर PS कंट्रोलर बटन, मतलब एक प्लेस्टेशन का बटन आता है। एंड आप देखते जाओ भाई, साथ में मैं तो कोने में शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखते जाओ अपनी मेन स्क्रीन पर, ठीक है। प्रेस द PS बटन ऑन योर PS कंट्रोलर, तो किस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एंड भाई काफ़ी सही लुक आ रही है। एंड मैं आपको बता दूँ, इस वाली वीडियो के अंदर जो प्लेस्टेशन 5 है, जिस भी बंदे का उसका ये प्लेस्टेशन 5 उसका ये जो प्लेस्टेशन 5 है ना, वो बेसिकली रेस्ट मोड से वापस से ऊपर आ रहा है, यानी कि स्लीप मोड से वापस से बूट हो रहा है। तो मतलब ऑफ नहीं था वो, स्लीप मोड पर था, समझ रहे हो। प्लेस्टेशन को मेन स्विच से बंद नहीं करा गया था, वो बस प्लेस्टेशन बटन ऑन करा एंड इट्स जस्ट ऑन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके मोड पे था, ना कि पावर ऑफ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके का कुछ प्लेस्टेशन बटन है, ठीक है। एंड भाई अब जो मतलब जो एक लॉबी सी आती है, तो वो कुछ इस तरीके दिखती है, वेलकम बैक टू प्लेस्टेशन यहाँ पर लिखा है। एंड भाई जो भी यूज़र है इसका, उसका नाम है स्पॉटी केंजो, ठीक है, जो भी मतलब ये वीडियो बना रहे हैं प्लेस्टेशन पे। एंड भाई प्लेस्टेशन 4 के जैसा ही सेम टू सेम जो है आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई इस बार बहुत ही ज़्यादा क्लास है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, कई बेवकूफ़ लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई यही होम स्क्रीन है, तो भाई लोग ये होम स्क्रीन नहीं है। इस बंदे ने जहाँ पे अपना सैकबॉय खेलना बंद करा था गेम, ठीक है, ये गेम वहीं से ही कंटिन्यू हो गया है। एंड ये है कंट्रोल सेंटर, ठीक है, तो आप देख लो आराम से। तो ये कंट्रोल सेंटर है जो कि आपके एक प्लेस्टेशन बटन को टैप करने से ओपन अप हो जाता है, ठीक है। एंड भाई ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल फीचर दिया गया है, क्योंकि प्लेस्टेशन 5 में बिल्कुल एब्सेंट था, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ मैं अगर कहूँ तो होम बटन है, उसके बाद वही गेम जो कि आप खेल रहे हो, यानी कि इसके अंदर सैकबॉय की है, नोटिफिकेशंस हैं, और जो आपका कम्युनिटी है यानी कि जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब के बारे में भी आप देख सकते हो। म्यूज़िक है, ऑडियो है, माइक्रोफोन कंट्रोल है, अपने डुअल सेंस कंट्रोलर की बैटरी भी आप चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो कि भाई आप कौन से अकाउंट से खेल रहे हो, ठीक है। एंड भाई ऑब्वियसली एक पावर बटन भी है। एंड भाई कंट्रोल सेंटर की अगर हम और चीज़ों की बात करें, तो भाई सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है यार ऑफिशियल न्यूज़ का। तो यहाँ पे गेम से रिलेटेड या फिर और भी कुछ न्यूज़ जो प्लेस्टेशन की हो, मतलब ये गेम टू गेम वैरी करता है, तो ये तो भाई एक्सक्लूसिव प्लेस्टेशन गेम है, तो थोड़ी सी प्लेस्टेशन की न्यूज़ और इस गेम की न्यूज़ स्पेसिफिकली होगी। न्यू स्क्रीनशॉट, तो गाइस आपने इस गेम का जो भी स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड बाकी जो तीन आप देख रहे हो, 60%, 33% एंड की टू सक्सेस, तो गाइस ये सब क्या है, ये ना गेम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आप एक लेवल आपने इतना कर लिया, एक लेवल आपने इतना कर लिया, एक पोर्शन आपने इतना कर लिया, तो गेम टू गेम वैरी करता है, ठीक है। एंड भाई यही रहता है इसका हिसाब, ये बंदा भी यही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड भाई जैसे उसने प्ले स्टेशन बटन दबाया, वैसे ही वो डायरेक्टली अपना गेम जो है स्टार्ट कर रहा है। नाइस है ना, कितना मतलब सही रहा है इसके लिए, ठीक है। तो गाइस अब थोड़ा आगे अगर हम चलें तो यार तो इसके अंदर ये जो गेम दिखा रहे हैं ये है सैकबॉय
विथ एडवेंचर, ठीक है। तो इसके अंदर यार अगर आप और व्यू डिटेल्स पे जाते हो सैकबॉय बिग एडवेंचर का देखने के लिए, ठीक है, तो वो आपको टाइम तक बता देता है कि भाई आपको कितना टाइम लगने वाला है इस गेम को खेलने के अंदर, ठीक है, एंड भाई आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अभी कर रहे हो गेम के, ठीक है, एंड आप वहीं की वहीं अपना गेम जो है आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड यही था। एंड भाई एक और चीज़ है इसके अंदर कि आपको ना एक गेम का आपको ना मतलब गूगल पे जाना नहीं पड़ेगा, मतलब लंबे लंबे आर्टिकल्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, सीधा अपने आपके प्ले स्टेशन में ही आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ भाई कि भाई ये है तुम्हारा इंटरफेस, ये है तुम्हारे गेम जो तुम्हारा गेम चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो तुम्हारे गेम के एक हिंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एल से मूव कर दो और एक्स सेट कर दो, एंड इफ़ यू विन अ कार्ड यू कैन एक्सेस इट बाय कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल सेंटर से बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेस भी कर सकते हो, एंड वहीं की वहीं आपका गेम भी चल जाएगा, ठीक है। एंड इसको अगर हम बोले तो इसको गेम हेल्प बोला गया है प्ले स्टेशन की भाषा में, ठीक है। तो अब आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपके साथ ज़्यादा घुल मिल सकते हैं, आप उनके वॉइस चैट को ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे आराम से प्ले स्टेशन टू प्ले स्टेशन बात कर सकते हैं, क्योंकि इस बार DualSense 5 कंट्रोलर के अंदर भी माइक्रोफोन का एक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत सही बात है, ठीक है। तो भले ही आपका दोस्त PS4 में खेल रहा हो तो भी आप उनसे आराम से मिल पाएंगे, ठीक है, मतलब बात कर पाएंगे। एंड कई कई लोग तो भाई अपनी स्क्रीन तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इसके दोस्त ने भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है, रसल वाटर्स ने करके, ठीक है, तो उसने भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो आप भी भाई उसका गेम प्ले एंड अपने दोस्तों की प्रोग्रेस भी देख सकते हो, ठीक है। एंड आप चाहो तो उसको अपनी स्क्रीन के एक साइड में पिन करके छोड़ दो एंड वहीं की वहीं अपना भी गेम कंटिन्यू करते रहो। तो गाइस ये यार बहुत ही सही है, जिसको पिक्चर इन पिक्चर मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे भी अपना प्लेस करो, गेम खेलो, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको साइड में कर दो, ठीक है, एंड उसको लीव कर सकते हो एंड उनके साथ भी खेल सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो गाइस बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपके कंट्रोल सेंटर में सबसे आगे दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैट वैट करो, आराम से मज़े मारो, ठीक है। उसके बाद भाई आपकी ट्रॉफियाँ कितनी हो गई हैं, प्ले स्टेशन का जो हिसाब हमेशा से रहता ही है, तो आपके फ्रेंड्स सपोज कोई एक गेम खेल रहे हैं मल्टीप्लेयर, जैसे कि इसके अंदर है डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स, तो ये ज्वाइनेबल है, ज्वाइनेबल कार्ड है, एंड उसने एंड यूं ऐसे गेम चल गया, मतलब अलग ही लेवल है, मतलब यार प्ले स्टेशन 5 का ये देखो ऐसे चुटकियों के अंदर लोड हो गया फटाफट से, ये प्ले स्टेशन 5 के अंदर काफ़ी देर लगती है, ठीक है। एंड ये बंदे ने मतलब इसका गेम प्ले वेम प्ले नहीं दिखाया है, ठीक है, तो उसने वो सब स्किप कर दिया था। आप चाहो तो भाई यूट्यूब की उसकी वीडियो को स्लो करके देख लेना, टेंशन की कोई बात नहीं अगर आपको इसका गेम प्ले देखना है, ठीक है। वैसे कुछ खास गेम प्ले है नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है, एंड आप स्क्रीनशॉट को भैया एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, 4K के अंदर वीडियोस को प्ले स्टेशन 5 के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्ट्रीम भी कर सकते हो भाई लोग, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। एंड गाइस अब ये है यार होम स्क्रीन प्ले स्टेशन 5 की, ठीक है, जो कि भाई बहुत 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 ही ज़्यादा क्लासी लग रही है, एंड भाई पीछे का अपना खुद का हब जो है इंटीग्रेटेड मिल जाता है, हर गेम के हिसाब से पीछे की थीम भी चेंज हो जाती है, एंड जब आप नीचे आते हो तो नीचे भी आपको आपके प्रोग्रेशंस, आपके दोस्तों के प्रोग्रेशंस, गेम से रिलेटेड न्यूज सब कुछ मिल जाता है यार, एक नंबर, ठीक है। साथ ही साथ प्ले स्टेशन स्टोर भी है, एक्सप्लोर भी है। एक्सप्लोर के बारे में तो देखो हम यार ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो एक्सप्लोर है ना ये आपको एक्चुअली प्ले स्टेशन US वाले वर्जन्स में अवेलेबल तो फिलहाल के लिए होगा, क्योंकि भाई अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, क्या पता अपडेट आके इंडिया के अंदर भी आ जाए, लेकिन भाई सबसे पहले ही US के अंदर आएगा तो इंडिया के अंदर इसके आने के चांसेस कम ही हैं, लेकिन इससे आप अपनी कम्युनिटी के ज़्यादा पास में आ सकते हो, ठीक है। एंड भाई ये आ गया हमारा ब्रांड न्यू प्ले स्टेशन स्टोर, जो कि एक रैचेट क्लैंक जिसका लगा हुआ है, जो भी आपका गेम फर्स्ट पे होगा उसका आ जाएगा। एंड गाइज आप यहाँ से अपना डिजिटल गेम्स आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, भले ही वो प्ले स्टेशन 4K क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हो यार प्ले स्टेशन 5 जो है वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, ठीक है। एंड एक प्ले स्टेशन बटन के टैप पे आप सीधा सीधा अपना ये कंट्रोल सेंटर खोलो, कंट्रोल सेंटर के अंदर स्क्रीन शॉट देख लो जो भी आपका, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, एटलीस्ट कंट्रोल सेंटर आना काफ़ी ईजी हो गया। एंड आप इसके अंदर अपने खुद के ग्रुप्स बना सकते हो, जिसके ग्रुप्स को नाम दिया गया है पार्टी, तो क्रिएट पार्टी, तो आप अपनी पार्टी के अंदर इन
स्क्रीनशॉट्स को बहुत इजीली डायरेक्टली अपने इसी से शेयर कर सकते हो। एंड भाई आपको मैनुअली जो है मैसेज टाइप नहीं करना पड़ेगा। प्लेस्टेशन 5 के डुअल सेंस कंट्रोलर के अंदर माइक आता है, इसलिए भाई आप बस बोलो एंड वो सब अपना अपने आप ही कर देगा, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सही बात है। ठीक है गाइस, तो मतलब काफ़ी सही फीचर है एंड आप यहीं की यहीं इसको सेंड भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी आराम से शेयर कर दीजिए। या क्या शेयर का ऑप्शन, शेयर पे क्लिक करा, मतलब वीडियो या फोटो आपकी जो भी है आप इसको एडजस्ट कर लें एंड आराम से आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहीं पे आप अपने वापस आ गए नीचे। तो गाइस ये फीचर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है एंड यहीं की यहीं आप यहाँ पावर बटन से बंद कर सकते हैं एंड कुछ इस तरीके की रेस्ट वाली जो स्क्रीन होती है ना कुछ इस तरीके दिखती है आपकी प्ले स्टेशन में। तो गाइस ये कुछ हिसाब था आपके प्ले स्टेशन 5 का। प्ले स्टेशन 5 कैसा रहता है, क्या मतलब हालात आते हैं यार प्ले स्टेशन 5 के, तो मतलब क्या इंटरफेस है। एंड भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत कट्टर इंटरफेस है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इंटरफेस है। मैंने आपको एक एक बात बता दी, कंट्रोल सेंटर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। एस्ट्रोस प्लेरूम भी है इंस्टॉल्ड जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। एंड भाई उसने काफ़ी सारे प्ले स्टेशन 4 के भी गेम्स इंस्टॉल कर रखे हैं एंड से 3 की गेम प्ले स्टेशन 5 का। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा सही रहा इस वीडियो का एंड भाई काफ़ी सही वीडियो लगी। एंड अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड कब कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए फटाफट सब कुछ रिप्लाई कर देगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली गेमिंग न्यूज़ वीडियो में, जल्दी गेमिंग न्यूज़ वीडियो। तो तब तक के लिए आज योर